आइए हम अब अगला टॉपिक देखते हैं और वह है अर्थ प्रकृति। क्या है? अर्थ प्रकृति। और अर्थ प्रकृति कहते किसे हैं, दस प्रकार क्या कहते हैं उसको देखते हैं। 18वीं कारिका में अर्थ प्रकृति की चर्चा है। कहते हैं बीज बिंदु पताकाख्य प्रकरी कार्य लक्षणाः अर्थ प्रकृतयः पंच ताएताः परिकीर्तिताः। दोबारा से सुनिए, बीज बिंदु पताकाख्य प्रकरी कार्य लक्षणाः अर्थ प्रकृतयः पंच ताएताः परिकीर्तिताः। क्या तात्पर्य इसका निकला? देखिए अर्थ प्रकृति का मतलब क्या है, प्रयोजन सिद्धि हेतवः, जो प्रयोजन की सिद्धि में हेतु बने वह अर्थ प्रकृति है। प्रयोजन क्या है, हमने अभी से पहली क्लास में पढ़ा है कि नाटक के दो प्रकार के प्रयोजन होते हैं, शुद्ध और दूसरा अनेकानुबंधी, जिसमें द्वयानुबंधी और त्रयानुबंधी आया है। धर्म, अर्थ और काम, ये तीन नाटक के प्रयोजन हैं। तो उस प्रयोजन की सिद्धि में जो हेतु बनता है उसको अर्थ प्रकृति कहते हैं। अर्थ प्रकृतयः, अर्थ का क्या मतलब है, फल, फल से क्या तात्पर्य है, प्रयोजन, और प्रकृतयः का क्या मतलब है, उपाय। तो फल के जो उपाय हैं उनको अर्थ प्रकृतयः, अर्थ प्रकृति कहते हैं। ये कितने हैं, अर्थ प्रकृतयः पंच, इनकी संख्या पांच बताई गई है। वो कौन कौन से हैं, बीज बिंदु पताका प्रकरी कार्य, कार्य ये पांच हो गए, बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य लक्षण वाले जो ये पांच हैं उनको अर्थ प्रकृति कहते हैं। तायेताः अर्थ प्रकृतयः परिकीर्तिताः, तायेता ये वे पांच अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। ये तात्पर्य निकला। तो अर्थ प्रकृति पांच है, कौन कौन, बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य। ये है क्या, अब इनको समझ लेते हैं। बीज किसे कहते हैं, तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में दस रूपकार लिखता है, स्वल्पोदिष्टस्तु तद हेतुर बीजम विस्तार्य नेकधा। इसका मतलब है कि बीज वह कथा का अंश है, हिस्सा है, जिसको नाटककार अत्यंत छोटा सूक्ष्म रूप में बोता है। इसका क्या अर्थ निकला, सूक्ष्म रूप में बोना, जैसे हम खेती करने के लिए फसल के लिए बीज बहुत कम बोते हैं, और वही बीज जब फसल के रूप में परिणत हो जाता है तो बहुत अधिक संख्या में हमें प्राप्त होता है। 2 किलो बीज हो सकता है कि वह 20 किलो बन जाए, 200 किलोग्राम बन जाए। तो उसी तरह नाटक का बीज अत्यंत छोटा होता है और वह अनेक प्रकार से बाद में विस्तृत हो करके फल तक पहुंच जाता है। नाटक का जो फल है, जो बताया आपको, धर्म अर्थ काम, उसकी प्राप्ति कराता है। तो इसलिए कहा स्वल्पोदिष्टस्तु तद हेतुर बीजम विस्तार्य अनेकदा, जो अत्यल्प होता है लेकिन वह अनेक प्रकार से बाद में विस्तृत होता है उसको बीज कहते हैं। बिंदु क्या है, अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदुर छेद कारणम, बिंदु अच्छेद कारणम, बिंदु क्या है, अच्छेद का कारण, छेद मतलब बिखराव, बांटना, और अच्छेद का क्या मतलब है, कनेक्ट करके रखना, जोड़ने का काम। कब, अवांतर अर्थ छेदे, अवांतर अर्थ के आ जाने पर उनमें भी छेद हो जाता है। कहानी चल रही है, अब उसके बाद एक दूसरी कहानी आ गई, दोनों कहानियां अलग अलग हैं, तो उनको जोड़ने का काम बिंदु के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए कहा अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदु छेद कारणम। पताका पढ़ चुके हैं, फिर भी बता दे रहा हूं, सानुबंधम पताकाख्यम, अनुबंध युक्त, मुख्य कथा के साथ जिसका अनुबंध है, मुख्य कथा के पीछे पीछे जो चल रहा है, जो मुख्य कथा का अतिक्रमण करके नहीं चल रहा है, वह कथा पताका है। और प्रकरी क्या है, प्रकरी प्रदेश भाग, ये भी वैसी कथा है लेकिन यह अत्यल्प छोटी कथा है, इसलिए प्रदेश भाग कहा, बहुत कम दूरी तक चलने वाली, मुख्य कथा के साथ बहुत कम दूरी तक चलने वाली, अर्थात छोटी कथा, जैसे रामायण में सबरी की कथा। और कार्य क्या है, फल की प्राप्ति करा देना। तो यदर्थ ये काव्य से आरंभ सिद्धि यस्मिन समापनम, जिस कार्य की
पूर्ति के लिए काव्य का आरंभ किया जाता है। यह कार्य का अर्थ है फल, अर्थ का मतलब है फल। तो जिस फल की प्राप्ति के लिए काव्य का आरंभ किया जाता है, जहां पर वह सिद्ध हो जाए वहां कार्य संपन्न हो जाता है, तो उसी को हम कार्य कहते हैं। तो ये पांच हैं अर्थ प्रकृतियां, बीज बिंदु पताका प्रकरी और कार्य। वस्तुतः यह कथा वस्तु का विस्तार और विभाजन है। ये अर्थ प्रकृतियां क्या है? कहानी का विस्तार और विभाजन है। इनको एक चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। यह नाटक का पहला अंग होगा, जहां कवि बीज बपन करता है, बीज बोता है एक छोटी कहानी के रूप में, और वही बीज अंतिम अंक में कार्य के रूप में, फल के रूप में परिणत हो जाता है। कोई भी नाटक ले लीजिए, उसका पहला अंक बीज होगा और अंतिम अंक कार्य होगा। वहां जो बीज बोया गया है, जिस लक्ष्य को रख करके, वह बीज फल के रूप में परिणत हो जाता है, नायक को वह फल प्राप्त हो जाता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतला में ही लीजिए, तो दुष्यंत को भरत और शकुंतला की प्राप्ति है। इस बात को ध्यान में रख करके ही प्रथम अंक का निर्माण करता है कवि, और यह बात कब पूर्ण होता है? यहां आकर अंतिम अंक में जाकर के पूर्ण हो जाता है। तो वह कार्य है। अब यहां से यहां तक पहुंचने का जो प्रक्रिया है, पहुंचने की जो प्रक्रिया है, वो बिंदु है। कैसे पहुंचेगा वो? तो कभी छोटी कथा जोड़ देगा, कभी बड़ी कथा। तो देखिए, यहां पर ये जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं, यह प्रासंगिक कथा है। और प्रासंगिक का कौन सा भेद है? पताका नाम का भेद है, जो बड़ी कथाएं हैं। और ये छोटी छोटी कथाएं जो आप देख रहे हैं, ये प्रकरी नाम की कथा वस्तु, ये प्रासंगिक कथा। तो इस तरह प्रारंभ जिस कथा को कवि करता है, नाटककार करता है, उस कथा में कई छोटी और बड़ी कथाएं जोड़ता है, और जोड़ 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 करके वह अंतिम अंक तक पहुंचा देता है, जहां फल की प्राप्ति होती है, नायक फल प्राप्त करता है। तो इस तरह हम क्या पाते हैं कि यह अर्थ प्रकृति नायक को फल प्राप्ति कराने का उपाय है, और क्या है? कथा वस्तु का विभाजन है। बीज प्रथम अंक है, कार्य अंतिम अंक है। प्रथम अंक से लेकर अंतिम अंक तक जब जब कथा विच्छेद की स्थिति में आती है, तब प्रकरी और पताका के माध्यम से उन कहानियों को जोड़ा जाता है। तो यही बिंदु है। इस तरह यह पांच अर्थ प्रकृतियां हैं। इन अर्थ प्रकृतियों के सहयोग से ही नाटककार कथा का विस्तार करता है, और विस्तार करके वह प्रथम अंक से लेकर के अंतिम अंक तक पहुंचता है। नाटक है तो 5 अंक होगा, प्रकरण है तो 10 अंक होगा, चाहे अंक जितने भी हो, लेकिन वह प्रथम से अंत तक जो पहुंचने की प्रक्रिया करता है, वही अर्थ प्रकृतियां हैं। तो अर्थ प्रकृतियां क्या है? प्रयोजन सिद्ध हेतवः।